गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज नए वीडियो के साथ मैं मुकेश राघव आज आपको इस वीडियो में राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, सामंत काल का उदय, इसके बारे में आज आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, सामंत काल की उदय, सामंत काल का उदय कब हुआ? जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद संपूर्ण भारत एक बार फिर छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। ये जो छोटे छोटे राज्य थे, उन्हीं के जो राजा थे वे पहले सामंत हुआ करते थे। ये राजा को समय समय पर अपनी सेवाएं दिया करते, लेकिन जब भी केंद्रीय सत्ता कमज़ोर पड़ती है तो सामंत लोग अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करते हैं। और ऐसा ही समय हर्ष के बाद आया और पश्चिमी भारत में अनेक स्थानों पर स्वतंत्र सत्ताएं स्थापित हुई। और ये जो स्वतंत्र सत्ताएं स्थापित हुई थी, ये किन के द्वारा की गई थी? राजपूतों के द्वारा। तो ये राजपूत कौन थे, ये हमेशा एक चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि वास्तव में ये एक निश्चित निष्कर्ष पे पहुंचा ही नहीं जा सका है कि कैसे ये लोग कौन थे, क्या कहाँ से आए, क्योंकि जितने भी इतिहासकार हैं जो खुद जिससे बिलोंग करते हैं वो उसी का ही बताते हैं। जैसे कि जो विदेशी इतिहासकार हैं वो उनको बोलते हैं कि भाई विदेशियों की संतान है। जो ब्राह्मण इतिहासकार हैं वो बोलते थे कि ब्राह्मण ही थे। जो कुछ इसको अग्निकुंड से उत्पन्न, इस तरह की एक बहुत से सिद्धांत अपने अपने दिए हैं। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। डिसाइड आप कर लीजिए कि वो किस वंश से थे, क्या थे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जिस बात को मैं बताना चाह रहा हूँ वो है कि राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में मेनली चार प्रकार के सिद्धांत आए हैं। और इन सिद्धांतों में एक राजपूत विदेशी थे, नंबर दूसरा राजपूतों का एक मिश्रित वीर जातियों का मिश्रित खून था, और नंबर तीसरा था राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, और नंबर चौथा था राजपूत भारतीय ही थे। तो प्यारे बच्चों, देखिए बहुत से लोग राजपूतों को शक कुषाण आदि विदेशी आक्रांताओं की संतान घोषित करते हैं और कहते हैं कि भाई ये उन्हीं प्रकार के इनमें गुण हैं। तो मैं थोड़ा सा आगे बताऊँगा, तो ये भी विदेशी थे। लेकिन अगर सबसे पहले हम जिस सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, राजपूत विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत की, तो विदेशी उत्पत्ति के जो सिद्धांत है उसके जो सर जो मेन जो इतिहासकार हैं वो है कर्नल टार्ड, विलियम क्रुक, कनिंगम और स्मिथ महोदय। अब देखिए, विदेशी की बात करें तो सिर्फ यहाँ एक तरह के विदेशी तो आए नहीं, अनेक समय में अनेक प्रकार के विदेशी आक्रमणकारी आए। तो इन्होंने बताया कि जो कर्नल जो जेम्स टार्ड है वो राजपूतों को शक सिथियन जाति का मानता है, कि शक और सिथियन आए थे, उनकी जो आक्रमण हुए उस समय, जो यहाँ आने के बाद जो यहाँ की महिलाओं से जो संबंध हुए, उनसे जो संतान जो पैदा हुई वो राजपूत थे। इसके बाद आते हैं कनिंगम महोदय और विलियम कुक, ये राजपूतों को कुषाणों की संतान मानते हैं। और तीसरे स्मिथ महोदय, ये बोलते हैं राजपूत हूणों की संतान थे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान रखने की बात ये है कि जो हूण, कुषाण और शक और सिथियन, यहाँ कई बार अलग अलग पूछ लेता है, तो ये आपको ध्यान रखने की बात है, तो ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है राजपूतों का प्रादुर्भाव वीर जातियों से हुआ, यानी कि जो वीर जातियां थी उनके संक्रमण से इनका जन्म हुआ। अनेक इतिहासकारों का विचार है कि राजपूत न तो पूर्ण रूप से भारतीय थे न ही पूर्ण रूप से विदेशी थे। ऐसे इतिहासकारों में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हैं, इनका मानना है कि विदेशों से आने वाली वीर लड़ाकू जातियाँ धीरे धीरे क्या हुआ, यहीं बस गई और यहीं के रीति रिवाज अपना लिए, और कुछ लोग यहाँ के भी थे वीर लोग। ऐसे उन जब इनका आपस में संपर्क हुआ, विवाह संबंध हुए, तो जो जिस जो वर्ग जिसकी उत्पत्ति हुई
वो ये राजपूत थे। और इसके अलावा इस मत को डीपी चट्टोपाध्याय भी देते हैं अपना समर्थन। तो लेकिन देखिए, ये इस तरह की जो मत हैं इनका पर्याप्त कोई सबूत नहीं है, इसलिए इसको नहीं माना जा सकता। और अगला एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से, यानी अग्निकुल का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के जनक चंद्रवरदाई माने जाते हैं। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय के राजदरबारी थे, जो इन्होंने ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज राजसों। और इस पृथ्वीराज राजसों में इन्होंने बताया कि एक बार क्या होता है कि आबू पर्वत पर एक स्टोरी है, मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये लिख भी रखी है, आप पढ़ भी सकते हैं। आबू पर्वत पर एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया, और यज्ञ में जो बुरी शक्तियाँ थी, जो दैत्य थे, वो विघ्न डाल रहे थे, उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। तो ऐसे समय में ऋषि वशिष्ठ ने एक अग्निकुंड से एक अनुष्ठान किया, और उसमें चार योद्धाओं की उत्पत्ति हुई। और ये चार योद्धाएँ कौन थे? प्रतिहार, प्रमार, चालुक्य और चौहान। देखिए, ये थोड़ा आपको याद रखने की ज़रूरत है। प्रतिहार और चौहान, जिसको चाहमान भी कहते हैं, और प्रतिहार जिसको आप गुर्जर प्रतिहार के नाम से भी जानते हैं, गुर्जर विशेषतः यहाँ क्षेत्र के लिए प्रयुक्त है। तो प्रतिहार और चौहान, चाहमान तो यहीं रुक गए, और प्रमार और चालुक्य यहाँ से कहाँ चले गए? राजस्थान से बाहर चले गए। इस प्रकार ये चार वीर योद्धाओं का वर्णन हुआ। लेकिन देखिए, अग्निकुंडों से इस तरह की उत्पत्ति का सिद्धांत है ना, थोड़ा तर्कसंगत नहीं लगता है। और दूसरे विद्वान भी इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि इसके विरोध में वो बहुत से तर्क भी देते हैं। कहते हैं कि जो मूल पृथ्वीराज राजसो है, उसमें इस तरह की कोई घटना नहीं है, बाद में जोड़ा हुआ एक छेपक है। और आधुनिक युग में जब इस तरह की बातें करें कि अग्निकुंड से वीरों को उत्पत्ति को मानना, ये आई थिंक ये भी ठीक नहीं है। और इसके साथ साथ पृथ्वीराज राजसों में आगे जो माना गया कि जो ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, इसके बाद एक नया यदुवंशी भी उत्पन्न हुआ। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि इस प्रकार की कहानियाँ इसमें ली गई। लेकिन जो ये साक्ष्य दे रहा है, इसके अलावा ये साक्ष्य कहीं उपलब्ध नहीं होते, इसलिए इसको भी सही नहीं माना जा सकता। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा एक मेरा मत दूंगा कि प्राचीन काल में जब यज्ञ होते थे, तो इन यज्ञों के दौरान जब कुछ विशिष्ट व्यक्ति चयनित किए जाते थे, और उन्हीं को ही जैसे अग्निकुंड से उत्पन्न माना जाता था, यानी कि उनका शुद्धिकरण करके और उसको एक नया जीवन की एक जिम्मेदारी दी जाती थी। तो इस तरह से ये सब कुछ था। अब सही क्या है, इसको तो नहीं कहा जा सकता। और नेक्स्ट है भारतीय उत्पत्ति। भारतीय उत्पत्ति में देखिए, जो ब्राह्मण इतिहासकार हैं वो बोलते हैं कि ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए, और जो कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि वेदिकारियों की संतान है, जो क्षत्रियों की संतान है। तो अगर हम वेदिकारियों की संतान की बात करें, तो आप नोट कर लें, प्रश्न आ जाते हैं ऐसे। वेदिकारियों की संतान से रिलेटेड एक बार आया था कि प्राचीन क्षत्रियों की संतान को मत किस इतिहासकार का मत है? प्राचीन क्षत्रियों की उत्पत्ति, राजपूतों की प्राचीन क्षत्रियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, तो उसमें GH ओझा और CV वैद्य। देखिए, यहाँ आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। CV वैद्य यानी वैदिक जाएँ तो वैद्य, CV वैद्य और ओझा हमेशा जोड़े में रहते हैं। जब आप देखोगे नीचे भी सब एक बोलेगा, दूसरा उसका समर्थन करेगा, ठीक है? तो ओझा जी और वैद्य जी ये इसके सिद्धांत के समर्थक हैं। दूसरे हैं ब्राह्मणों से उत्पत्ति। तो जो बिजोलिया शिलालेख है, हालांकि उसमें चौहानों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया, लेकिन फिर भी क्या कहा जैसे गोपीनाथ सरकार हैं, और जो भंडारकर हैं, गोपीनाथ शर्मा और जो पंडित जी हैं और भंडारकर जी हैं, दोनों बोलते हैं कि ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए, इसलिए ये ब्राह्मण थे। और
इस प्रकार से सब जो जितने भी इतिहासकार हैं वो अपने अपने साहित्य में कुछ तर्क देते हैं, जो जैसे कि इन्होंने जो प्रतिहार अपने अभिलेख में स्वयं को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते थे, तो उन्होंने जो क्षत्रिय प्राचीन सॉरी राजपूत क्षत्रिय थे तो उसका अपना देते हैं। और इसके अलावा साहित्यिक स्रोतों में अमीर महाकाव्य में भी चामानों को सूर्यवंशी होना ज्ञात होता है। राजपूतों में मात्र भूमि के लिए प्राणों की आहुति देने की भी भावना थी, इसलिए उनका भारतीय होना भी प्रमाणित होता है। तो देखिए, जो जिस भूमि में रहता है उससे प्रेम तो होता ही है, और निश्चित रूप से माना जा सकता है कि भाई राजपूत भारत के ही थे, क्योंकि जिस प्रकार से वो मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की क्षण भर में अपने प्राणों की आहुति देते थे, तो उससे ये मान सकते हैं कि वो निश्चित रूप से भारतीय थे। लेकिन केवल हम भारतीय ही माने तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक क्षत्रिय धर्म का पालन किया, और उस समय हो सकता है उनको जो ये जिम्मेदारी थी वो उस तात्कालिक समाज ने दी हो, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये भी फाइनल नहीं बोला जा सकता। कि आखिर में हम यही कहेंगे कि जो क्षत्रिय हैं एक मिश्रित उत्पत्ति मिश्रित वीरों की संतान थी। और इसके साथ ही मैं आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट लाइक करना ना भूलें, ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत।